उज्जैन में एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यहाँ एक कलयुगी बेटे ने अपने पिता को पीट पीट कर मार डाला। आरोपी बेटे ने अपने रिटायर्ड टीचर पिता से 600 रुपए मांगे थे। पैसे नहीं देने पर लात घूंसे और डंडों से जमकर पीटा, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। शहर की नानाखेड़ा पुलिस ने गुरुवार सुबह आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वेदनगर के रहने वाले मूलचंद सांची पॉइंट संचालित करते थे। उनके दो बेटे हैं। बड़ा बेटा अलग रहता है, जबकि छोटा बेटा अजय साथ में रहता है। मूलचंद दूध का काम करते थे, अजय भी उनके काम में मदद करता था। बुधवार रात को अजय ने पिता से दुकान का सामान लाने के लिए 600 रुपए मांगे। उन्होंने इनकार कर दिया। इसी बात पर दोनों में झगड़ा हो गया। विवाद बढ़ने पर अजय ने पिता को लात घूंसों और डंडों से जमकर पीट दिया। परिजनों ने सेवाराम को सांवे रोड स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान बुधवार रात 3 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया। थाना प्रभारी ओपी अहिल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि बाप बेटे में 600 रुपए को लेकर विवाद हुआ था। आरोपी अजय को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल रात की बात है, मूलचंद वर्मा करके व्यक्ति है, जिसे उसके लड़के ने शराब के पैसे ना देने पर मारपीट की थी, जिससे उसकी रात में मौत हो गई है। अपराध दर्ज किया जाकर विवेचना जारी है इसकी। क्या सर कहाँ पर चोट आई है, कितने बजे की घटना? ये कल 7:30 बजे के लगभग की घटना है और वेदनगर की घटना है, उसके घर के अंदर की घटना है ये। और उसके बाद देशमुख हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ वो रात को 3 बजे के लगभग मृत हो चुका था। क्या कार्रवाई हुई है सर अभी तक? कार्रवाई चल रही है। आरोपी गिरफ्तार? हाँ, आरोपी अरेस्ट हुआ। फिलहाल पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मूलचंद के बड़े पुत्र ने बताया कि वह करीब 10 साल से अलग रहता है। अजय, उसकी पत्नी और उसके दो बच्चे पिता के साथ रहते हैं। पिता के घायल होने पर वारदात का पता चला। क्राइम भाषी के लिए उज्जैन से अमृत बेंडवाल की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। क्राइम भाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।